हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ डिस्प्ले एड्स के बारे में। आज मैं आपको डिस्प्ले एड्स से इंट्रोड्यूस करूंगा। तो अभी चलते हैं सीधे गूगल एड्स अकाउंट पे और जानते हैं ज्यादा डिस्प्ले एड्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो जो लास्ट ट्यूटोरियल मैंने बनाया था वो सर्च एड के लिए बनाया था कि आप एक वेल फॉर्मेटेड सर्च एड कैसे बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि उस पे क्लिक्स और इम्प्रेशन आने शुरू हो गए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। तो अभी जो मैं बात करूंगा वो डिस्प्ले एड्स के बारे में करूंगा। तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ न्यू कैंपेन पे, तो यहाँ से मैं कोई भी गोल सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे डिस्प्ले कैंपेन बनाना हो। तो मैं यहाँ पे तो अपना गोल सेलेक्ट कर लिया मैंने, और इसके बाद मैं जो कैंपेन टाइप है वो है डिस्प्ले एड्स। तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन और जीमेल कैंपेन। क्योंकि जब हम सर्च एड बनाते थे तो उसमें तो ऐसे ऑप्शन नहीं दिखते थे, लेकिन डिस्प्ले कैंपेन में आपको ये ऑप्शन दिखेंगे। क्योंकि डिस्प्ले जो कैंपेन है वो कई सारी जगह रन होते हैं, कई सारी जगह एड्स आपको अपीयर होते हैं, वो वेबसाइट्स पे भी होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी होते हैं, और भी कई सारी जगह अपीयर होते हैं। पर जो सर्च एड्स होते हैं जिनको टेक्स्ट एड बोला जाता है वो केवल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अपीयर होते हैं। तो सर्च एड के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में और आपको वो समझ में भी आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो यहां पे जो स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन है उसमें अगर आप देखेंगे तो लिखा है पिक योर सेटिंग्स एंड टारगेटिंग एंड हैव सम ऑटोमेशन ऑप्शन। इसके अंदर जो ऑटोमेशन के ऑप्शन है वो सीमित होते हैं। इसमें आपको अपनी टारगेटिंग और जो डिस्प्ले एड आपको बनाना है उसकी हेडलाइंस, वहां पे कौन सी इमेज है, वो सारी आपको खुद से ही करनी होगी। ऑटोमेशन के ऑप्शन कम से कम होंगे वहां पे। तो ये होता है स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन। इसके बाद है स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, ऑप्टिमाइज बिडिंग टारगेटिंग एंड एड्स बेस्ड ऑन योर कैंपेन्स परफॉर्मेंस एंड कस्टमर इंटरेस्ट इन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसा कि नाम है इसका स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, इसमें कई सारे ऑप्शन ऑटोमेशन पे काम करते हैं, जैसे कि बिडिंग। तो इसमें जो बिडिंग होगी वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी। जब हम डिस्प्ले कैंपेन बनाते हैं या डिस्प्ले एड्स बनाते हैं तब जो बिडिंग का ऑप्शन होता है वो होता है CPA, यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन, या कुछ लोग इसको कॉस्ट पर एक्शन भी बोलते हैं। यानी जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट से वो डिजायरेबल एक्शन लेगा जो आपने सेट कर रखा है तो आपको पैसा गूगल को देना होगा, आपके अकाउंट से पैसा तभी डिडक्ट होगा। उसके बाद है टारगेटिंग। तो इसमें जो ऑडियंस की टारगेटिंग है जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, तो टारगेटिंग भी इसमें ऑटोमेटेड होती है। एंड एड्स बेस्ड ऑन योर कैंपेन्स परफॉर्मेंस एंड कस्टमर इंटरेस्ट। अब मान लीजिए आपने जो एड बनाया है वो किसी फूड के ऊपर है तो वो ऐसी वेबसाइट पे ज्यादा अपीयर होगा जो फूड से रिलेट करती है, या फिर कस्टमर्स की इंटरेस्ट पे वो डिपेंड करेगा, या फिर कैंपेन की परफॉर्मेंस में आपका जो कैंपेन है उसकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एड कई सारी वेबसाइट्स पे हमें दिखते हैं। इसके बाद है दोस्तों जीमेल कैंपेन, शो इंटरेक्टिव एड टू पीपल एज दे ब्राउज देयर ईमेल्स। तो जीमेल कैंपेन में मैं बता रहा हूँ आपको कि एड कैसे दिखते हैं। उसके लिए मैंने एक इमेज ओपन कर रखी है, ये एक GIF है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक जीमेल कैंपेन पे डिस्प्ले एड कैसे दिखता है। ये ऐसा आपके सोशल इनबॉक्स में दिखता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखा रहा है विजिट साइट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जिस वेबसाइट का ये एड है। तो ये आपके इनबॉक्स में ही ओपन हो जाता है, इसके लिए आपको कोई अलग से विंडो नहीं खुलती है। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एक्शन लेना चाहते हैं और अगर आप विजिट साइट पर क्लिक करेंगे तभी आप इसके वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे। तो तीन चीजें दोस्तों इसके अंदर हैं, स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन इसमें ऑटोमेशन का ऑप्शन कम है, स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन इसमें ऑटोमेशन के ऑप्शन थोड़े ज्यादा हैं, जीमेल कैंपेन। ये जो तीनों ही डिस्प्ले कैंपेन हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करूंगा अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में, और अगला जो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो स्टैंडर्ड डिस्प्ले कैंपेन को लेकर बनाऊंगा। इसी के साथ आज की बात मैं खत्म करता हूं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि डिस्प्ले कैंपेन्स क्या होते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php पे। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।